थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन की प्रेरणा से रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसएसपी विपिन टाडा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में समाज के अलग अलग वर्ग, समुदाय, विद्यार्थी, पुलिसकर्मी, पुलिस परिवार व अन्य लोगों सहित कुल 75 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले लोगों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा, दिवस के अवसर पर आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी और अन्य लोग आकर के स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी ज़्यादा संख्या में आकर के रक्तदान कर रही हैं। आप जानते हैं कि रक्त का उत्पाद अन्य कहीं नहीं हो सकता है, मानव शरीर ही इसका उत्पाद करता है, और आपके एक रक्तदान से 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के स्वैच्छिक रक्तदान करें, ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, रक्तदान महादान। अभी तक कितने लोग कर चुके हैं? अभी तक कम से कम 48 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इतने ही लोग लगभग रक्तदान कर चुके हैं। उम्मीद है कि 50-60 तक ये रक्तदान हो जाएगा। कि आज यहाँ पुलिस लाइन में हमारे एडीजी महोदय साहब की प्रेरणा से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 40 लोगों ने रक्तदान किया है पिछले एक घंटे में। और इसमें कई लोग आए हैं, समाज के अलग अलग
वर्ग से, अलग अलग तबके से लोग आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो सभी लोग आए हैं। और बड़ा ही अच्छा यह प्रयास है जिसमें कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है और रक्तदान किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है हमारी भविष्य में भी इस प्रकार से कार्य करती रहेगी और रक्तदान कर लोगों की जान बचाने में अतुलनीय योगदान देगी। जी, इसमें जो पुलिस विभाग के लोग आए हैं, जो पुलिस की टीम है जो लगातार इस प्रयास में जुड़ी है, इस मुहिम में जुड़ी है, उनको प्रशस्ति पत्र देकर मेरी तरफ से सम्मानित किया जाएगा।